चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाओ और इस वीडियो को कर दो लाइक। मैं हूँ चौकड़ी बाबा और आप देख रहे हैं गॉड टेक्निकल। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आते हैं, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो मैंने गाना अभी गा के बताया, आपको इतना बताना है कि मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है या थोड़ी बेकार है, अच्छी है या बेकार, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया चैनल। तो आप लोगों का कमेंट्स और आप लोगों का प्यार मुझे और आप लोगों का सजेशन बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ज़रूर देना। आज के टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों ने शेयर चैट पर दो बैच ज़रूर देखे होंगे, एक है गोल्डन बैच और एक है पर्पल बैच। ये गोल्डन बैच और पर्पल बैच किस किस को मिलता है, जिसके पास है क्या उसका क्राइटेरिया है। अगर गोल्डन बैच आपके पास है तो आप आगे क्या करना है, अगर आपके पास पर्पल बैच है तो गोल्डन में कैसे अप्लाई करना है, या फिर टोटली आप पर्पल बैच के लिए भी कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो इसके ऊपर आज सीधी बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को छेड़ने वाले हैं। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये पहले आप देखो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे पूरा हिंदी लिखा हुआ है। मैं आपको टम टम बताने वाला हूँ। टम टम का मतलब होता है पॉइंट पॉइंट बताना। पॉइंट पे आते हैं, गोल्डन पॉइंट आपको, गोल्डन जो बैच है वो किस तरह आपको मिलता है, क्या आप करते हो तो आपको वो मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, गोल्डन बैच आपको अच्छी क्वालिटी पर मिलता है। अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आप अच्छी क्वालिटी पर पोस्ट डाल लें। देखो दो तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक होता है आपने सीधा फोटो शूट किया या फ़ोन से एक वीडियो बनाई और उसको अपलोड कर दिया, तो ये हो गया क्वालिटी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी अब इसमें कैसे होती है, अच्छी क्वालिटी का मतलब आपने वीडियो या फोटो शूट किया, उसको एडिट पर डाला, एडिट पर डालने के बाद कुछ फिल्टर्स लगाए, कुछ इफेक्ट्स उसमें लगाए और कुछ उसमें इमोजीज लगाए, तो वो और उसको निखार दे दिया। तो निखार लगाना या फिर उसमें ऐड करना कुछ, उसको बोलते हैं अच्छी क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी यहाँ पर डालते हो तो आप गोल्डन यहाँ पर बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपके अंदर होनी चाहिए, वो है आपका ओरिजिनल क्रिएटर। ओरिजिनल क्रिएटर और ओरिजिनल पोस्ट दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दूसरे के पोस्ट को उठाकर डालते हो, आप ध्यान रखें कि दूसरे के पोस्ट आपने अच्छे देखे, दूसरे की वीडियोज़ आपने अच्छी दी, आपने उसको उठा के डाल दी, ठीक है, आपने क्रॉप करके एडिट करके उसका सब मार्क हटा दिया और वो डाल दिया, तो आप ओरिजिनल क्रिएटर नहीं हो। आप भले ही अच्छी वीडियो बना रहे हो लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर आप नहीं हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको देखना है कि गोल्डन बैच अगर आपको चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पर्पल बैच पे। तो पर्पल बैच का जो क्राइटेरिया वो बहुत ही लूज है। लूज का मतलब ये कि आप इसमें सिर्फ अच्छे पोस्ट बनाकर भी पर्पल बैच अपना अप्लाई कर सकते हो। पर्पल बैच अप्लाई करने का मतलब, आपने पहले क्या सुना था जो मैंने कहा, मैंने यही कहा कि आप अच्छे पोस्ट बनाओ। अब यहाँ पर आप अच्छे पोस्ट बना सकते हो, अच्छे पोस्ट आपने किसी के भी उठा के डाल दिया, आपको पर्पल बैच मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर उसका आपको आइकन नज़र आ गया, यानी कि अगर उसका टैग मार्क नज़र आ गया, तो आपका भी हाथ धोना पड़ेगा अपने चैनल या फिर अपने प्रोफाइल से। तो ये हो गया पर्पल बैच वालों का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप पर्पल बैच से गोल्डन बैच के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो पोस्ट अच्छे बना रहे थे, आप पर्पल बैच की बात बता रहा हूँ, आप अच्छे पोस्ट बना रहे थे, उस पोस्ट को रेगुलर डालना है। रेगुलर का मतलब होता है कि आपको कंटिन्यूसली डालना है। कंटिन्यूसली का मतलब होता है कि आपको रोजाना डालना है, और रोजाना का मतलब होता है कि आपको रोजाना डालना है जी। तो इतना डालने के बाद आपने यहां पर अप्लाई कर सकते हो। कुछ टाइम जरूर लगेगा। टाइम का मतलब ये कि अगर आप कंटिन्यूसली डाल रहे हो अच्छे पोस्ट और पोस्ट की जो रैंक है, जो अमाउंट है, वो ज्यादा हो रहा है, यानी कि मान लो आपने दो चार दिन में जो पोस्ट डाले थे वो दो दो रोज डाल रहे थे, अब जो आप पोस्ट डाल रहे हो वो चार चार रोज डाल रहे हो, आने वाले टाइम में चार चार पांच पांच रोज आप पोस्ट अच्छे खासे डाल रहे हो, आपको टाइम मिल रहा, नल्ले हो आप, ये तो एक अलग बात हो गई। नल्ले का मतलब मत समझना, यहां पर आपके पास फ्री टाइम है। फ्री टाइम में आपने खूब अच्छे खासे पोस्ट डाले, पोस्ट डालने के बाद कुछ टाइम बाद, यानी कि 10-15-20 हफ्ता या महीना भी हो सकता है, इसके अंदर अंदर आपको एक आपके प्रोफाइल पर एक फॉर्म आ जाएगा या फिर शेयर चैट का ऑफिशियली मैसेज आपको आ जाएगा कि आप गोल्डन भी बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप तुरंत वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ये समझा आज की इस वीडियो में कि आप गोल्डन पॉइंट और पर्पल पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों का मतलब होता है बैच। ये दोनों बैच अगर आपके प्रोफाइल पर लगते हैं तो इनकी खूबसूरती अपने आप में बहुत होती है और आपकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आपको बनाए रखने के लिए पोस्ट लगातार डालनी है। और आज के टॉपिक को कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि कहां से आप बिलोंग करते हैं। मैं दिल्ली से हूं, मेरी वीडियो कहां तक पहुंचती है जरा मैं भी तो देखूं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।